Assalamu alaikum, I'm Rabia Ali and today I've officially graduated as a mechanical engineer from NID University of Engineering Technology and alhamdulillah I'm very happy content ke 16 saal ki itni mehnat ke baad finally main jo hai wo graduate ho gayi hu aur alhamdulillah mehnat jo hai wo bahut acche se rang layi hai. Assalamu alaikum, I am Umme Sulaim. I am a mechanical graduate from batch of 2016 and currently I am working in Angro Pakistan. और ये सब मेरे पेरेंट्स की, मेरे टीचर्स की और मेरी यूनिवर्सिटी की मेहनत की वजह से है. और आई विश कि आज मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ ला सकती. ग्रेजुएशन डे है हमारा, बट ड्यू टू कोविड, नो ऑफेंस, बट मेरे पेरेंट्स अभी भी मुझे देख रहे होंगे तो वो बहुत खुश हैं. वो मेरे घर में सब बहुत खुश हैं एंड आई होप कि मैं आगे भी इसी तरह तरक्कियाँ करूँ इंशाल्लाह. अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ हिबा एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनडी रिसेंटली from mechanical department as a mechanical engineer and I'm very happy today and my parents will be very proud of me and 4 years back when I was taking admission in this department my father wanted to see me in this gown and today when he will see this video he'll be very proud of me. Thank you. Mera naam Zakaullah Ansari hai और मैंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री हासिल की, जहाँ पे 4 साल में हमने इस यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ अपना प्रोफेशनल बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बड़ी ग्रूमिंग हासिल की है. और इसके साथ साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का, जिनकी एफ़र्ट की वजह से हम लोग इस मुकाम पर आज ज़िंदगी में पहुँच गए. तो शुक्रिया NED, शुक्रिया पेरेंट्स एंड टीचर्स, थैंक यू. मेरा नाम हारिस है और मैं ऑटोमोटिव का स्टूडेंट था और वहीं से मैंने पास आउट किया है. और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो थी कोलैबोरेशन और दोस्तों के साथ जो हम लोगों ने पढ़ाई की और जिस तरीके से हम लोगों ने अपना टाइम यहाँ पर गुजारा. आई डोंट थिंक कि मैं ज़िंदगी में कभी भी इतना अच्छा टाइम कभी गुजार पाऊँगा. सो अगेन थैंक यू सो मच NED, थैंक यू सो मच टीचर्स एंड थैंक यू सो मच टू माई पेरेंट्स. Hi, my name is Sareem Siddiqui and I am a graduate of Automotive Department and today is the convocation. Although it was a very different convocation because it was online, but still we are very grateful for the university for providing us with a day where we can take pictures and make memories for a lifetime. I hope we have all made our parents proud and make a mark in our professional lives. माई नेम इज़ राबिया इम्तियाज और आज हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है. मैंने ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन की है और सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं आज इस दिन यहाँ पर हूँ. मेरे पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया और मेरे टीचर्स जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. ऑल्दो ये एक ऑनलाइन कॉन्वोकेशन था, आज हमारा शूट है, पर हमने इसे बहुत इन्जॉय किया है आज और अल्लाह करे कि और भी सारे बच्चे आगे भी कामयाब हो जाएँ. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जवीद खान और मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 साल जो है बहुत सक्सेसफुल रहे और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले अपने माँ बाप का, खुदा का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि ये 4 साल कामयाब रहे और बहुत अच्छे गुजरे. और आज और पहले का दिन जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था और आज का दिन जो कि कॉन्वोकेशन का दिन है, बहुत अच्छा रहा और यादगार रहा और 4 साल बहुत मेमोरेबल रहे और इस यूनिवर्सिटी में बहुत यादगारें रहीं दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ और डिपार्टमेंट के साथ. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ उमर है और मैं ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर लिया मैंने NED से और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा NED से इंजीनियर बने. मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी और आज अल्लाह पाक ने मुझे ये सहूलत दी कि मैं NED से इंजीनियरिंग कम्प्लीट की अपनी, तो थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ शाहजेब है और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम लोग की कॉन्वोकेशन है तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं. सबसे पहले तो हम लोग NED को थैंक्स कहते हैं कि जिसने हम लोग कॉन्वोकेशन हम लोग की अप्रूव करवाई और उसके बाद हम लोग अपने पेरेंट्स का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं की बदौलत हम लोग आज इस मुकाम पर खड़े हुए हैं. बस थोड़ा बहुत हम लोग को ये बस ये अफसोस है कि जैसे कि पेरेंट्स हम लोग के साथ यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह. जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक, तो आज जो कॉन्वोकेशन है ये हमारी पढ़ाई का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई जर्नी की शुरुआत है. तो अब यहाँ से यहाँ पे हमें सबसे पहले तो NED का और उसके साथ साथ हमें अपने असातिज़ा और अपने वालदैन का बेहद शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि आज उन्हीं की मेहनत की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं और अल्लाह ताला हमें आगे भी कामयाबी अता फरमाए. आमीन. इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल, आई एम हसीब खान एंड ऑल ऑनर्स टू माई पेरेंट्स, गॉड एंड ऑल ऑफ द NED यूनिवर्सिटी स्टाफ, माई कुलीग्स एंड
थैंक्स टू ऑल एंड आई वॉन्ट टू से दैट के एनडी का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा और ये एक सिर्फ डिग्री का इख्तिताम नहीं हुआ है, इल्म जो है वो एक ऐसा इल्म की दौलत से जो है वो हम आगे भी जो है वो रोशनाई हासिल करते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शहर बानो एंड आई एम फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। आज जो है वो मेरी कॉन्वर्सेशन है और इसके लिए जो है थैंक यू सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, ऑफकोर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत उनकी जो है काविश है जिसकी वजह से आज हमें ये डिग्री मिली है, और उसके बाद हमारे टीचर्स का बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से डिग्री का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि स्पेशली लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी कि बस डिग्री ले ली और अब घर बैठ जाना है। डिग्री का मकसद, अगर आपने सीट ली है, गवर्नमेंट सीट ली है, तो अब उस डिग्री को मेरे ख्याल से यूटिलाइज़ करने का टाइम है। और मैं खुद जॉब कर रही हूँ एंड आई विश कैनेडी की सारी लड़कियाँ जिन्होंने डिग्री ली है वो जॉब करें और मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रफ़ी बेग है, आई एम डिपार्टमेंट एनईडी यूनिवर्सिटी से अभी 2020 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। बैच मेरा 2016-17 है और इस दिन मेरी बड़ी खुशी हो रही है कि हम फाइनली 4 साल बाद पास आउट हो रहे हैं और ये मौका देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अभी ये ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ और ज़्यादा फिजिकल नहीं हुआ, लेकिन स्टिल फिर भी बहुत ज़्यादा खुशी है। और इसके अलावा सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि 4 साल गुजरे अच्छे, बहुत अच्छे गुजरे। फिर उसके बाद मेरे माँ बाप का, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया सब कुछ। और उसके बाद सारे उस टीचर्स का, सारे दोस्त साथी जो अभी तक सब साथ हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कैनेडियन है। थैंक यू सर। माय नेम इज़ शिजा फारूक, बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह एंड द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी। नाउ इट्स अ बिग डे फॉर मी एंड आई एम सो एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम, आई एम निम्रा एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज आई एम फील proud because I'm graduating today from NID University of Engineering and Technology in Textile Sciences. My name is Nayab Naeem and we are graduated from Textile Engineering Department and we are so excited today because it's really big achievement for us. My name is Vajia and I'm so happy today because this is the day I was waiting for so long. Congratulations to all. Assalamu alaikum, mera naam Sanamjit Ansari hai, maine bachelor's kiya hai computational finance mein. मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, और फिर मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा बतूल है और मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया बैचलर्स इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पहले तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी, फिर उसके बाद मैं जो कुछ भी हूँ आज अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली की वजह से हूँ, फिर साथ साथ मैं अपनी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने 4 साल मेरे साथ मेरी तरह ही मेहनत की, और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी एंड थैंक यू माई टीचर्स एंड एवरी वन। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ अरीबा रज़ा और मैं मैनेजमेंट साइंसेज से हूँ, और फिर से नहीं हो सकता फिर से, ओके ओके दोबारा दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा रज़ा एंड आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। टुडे आई एम हेयर ऑन द कॉन्वोकेशन, 29th कॉन्वोकेशन ऑफ एनईडी एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ द बैच ऑफ 2016 and 17। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरी वन एंड थैंक यू एनईडी फॉर दिस कॉन्वोकेशन। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद मूसा है, एनईडी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से ग्रेजुएट। आज हमारे लिए एक वाकया, एक काफ़ी जिसका ख्वाब देखा है बचपन से, वो एक हमारा ख्वाब आज पूरा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से जो है वो हमारे माँ बाप यहाँ पर नहीं आ सके। जाहिर सी बात है उनका भी एक ख्वाब होता है, औलाद बड़ी होती है, पढ़ती है, लिखती है, ग्रेजुएट होती है, बस एक उनकी कमी रही, लेकिन ओवरऑल आज एक अच्छी खुशी महसूस हो रही है अंदर से, मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी हुई आज ग्रेजुएट हो गए एनईडी यूनिवर्सिटी से। क्लैप, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अहमद है और मैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की ग्रेजुएट हूँ माशाल्लाह से। आज हमारा कॉन्वोकेशन था जो कि बहुत थोड़ा इमोशनल हुआ, और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे 4 साल बहुत अच्छे गुजरे मेरे दोस्तों की वजह से, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सही है, और क्या नाम है, ये 4 साल यूनिवर्सिटी का दिन मेरे लिए बहुत 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 ख़ास है और ख़ास रहेगा। तो आप सबको और मेरे जितनी भी दोस्त हैं उन सबको कॉन्वोकेशन ग्रेजुएशन बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन अब्बास है और मैं एनईडी का रिसेंट ग्रेजुएट हूँ, और कॉन्वोकेशन 2020 की सबको, अपने क्लासमेट्स को, सब सारे दोस्तों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं डेडिकेट करता हूँ ये अपने पेरेंट्स को, ये डिग्री खास करके मेरे फादर को, कि अगर वो इस दुनिया में होते तो वो बहुत प्राउड फील करते,
और यही है कि इंशाल्लाह अब तरक्की से सफ़र शुरू करना चाहते हैं। और एनईडी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम डिग्री लेने से पहले हमारे पास जॉब्स भी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक अच्छा मौका था और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हम लोगों के लिए, और हम सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना जाहिद है और आज कॉन्वोकेशन का इवेंट है और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि कोविड की वजह से हमने सोचा नहीं था कि हमें चांस मिलेगा एंजॉय करने का, तो मिल गया है और बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक्स टू एनईडी और मैं कंप्यूटेशनल फाइनेंस से हूँ तो इट्स गुड। मेरा नाम आयशा इकबाल है और आज मुझे डिग्री मिल ली है। मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टूडेंट थी। मेरी आज 16 साल की मेहनत रंग लाई है और मैं अपने अम्मी अब्बू का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरा नाम सना फातिमा है और मैं अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की ग्रेजुएट हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का और उसके बाद फिर अपनी मम्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उनकी बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और प्लस मेरे नानाब्बा और नानू का, क्योंकि वो दोनों साथ ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। और मैं आज वाकई बहुत बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाजों की कमी हो रही है। इल्म ज़िंदगी है और जहालत मौत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मैं किसा फातिमा जाफरी अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बैच 16-17 की ग्रेजुएटेड हूँ। आज सबसे पहले मैं उस ज़ाते कराम का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह ताला का जितना ही शुक्र अदा क्यों ना कर दूँ वो कम है। उसके बाद मेरे अजीम वालदैन जिनकी अनथक मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उसके बाद मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी और उन सब की दुआएँ हैं ये जो कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं कि कामयाबी मेरे हाथ में है। माय नेम इज़ शादा साकिब, आई एम सिविल डिपार्टमेंट स्टूडेंट, आई हैव डन माय सिविल इंजीनियरिंग और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय टीचर, माय चेयरपर्सन, और मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एनईडी लव यू। इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। नाम मोहम्मद मेहदी है, एनईडी यूनिवर्सिटी अर्बन डिपार्टमेंट से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर्स कंप्लीट किया है। और बहरहाल मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं अपनी किस तरह खुशी बयान करूं, आज डिग्री मिली है। और बहरहाल इस डिग्री को हासिल करने में उस वक्त से लेके जब से मैं पैदा हूं और एनईडी ग्रेजुएट होने तक सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा और वालदैन की सपोर्ट है जिसने मुझे यहाँ तक ला खड़ा कर दिया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एनईडी से ग्रेजुएट कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास हसन है और मैं एनईडी यूनिवर्सिटी के बैच 2016-20 का तालिब इल्म था। आज हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और कॉन्वोकेशन थी, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने माँ बाप का कि जिन्होंने मुझे इस हद तक सपोर्ट की कि आज मैं इस काबिल हूँ, और अपने टीचर्स का कि जिनकी बदौलत आज मुझे ये डिग्री मिली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली हैदर है और मैं एनईडी यूनिवर्सिटी के अर्बन डिपार्टमेंट का ग्रेजुएट हूँ। 2016-20 मेरा बैच था। मैं सबसे पहले अपने वक्त के इमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काबिल बनाया उनकी दुआओं के नतीजे से, और उसके बाद अपने माँ बाप का, अपने दोस्तों का, अपने टीचर्स का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला अली का कॉल है कि इल्म जो है वो नफ्स को ज़िंदा करता है, जहालत को भगाता है और आपका जो खौफ होता है उसको दूर करता है। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहेब मेमन है और मैं ग्रेजुएट हूँ एनईडी से। मेरा डिपार्टमेंट है अर्बन इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे बैच 2016-17 है एंड मैं थैंकफुल टू अलमाइटी अल्लाह। मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा अपने टीचर्स का करना चाहता, जिसने अपनी बहुत मेहनत के साथ इधर हम लोगों को पढ़ाया है, और थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास अहमद है और मैं 2016-17 बैच का इनरोल हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी का। आज हमारी कन्वोकेशन है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँचाऊँ, और हमारे उस्तादजा का जिन्होंने हमें बेहतरीन तरीके से गाइड किया हमारे पूरे 4 साल ग्रेजुएशन के दौरान, और आज हम कन्वोकेशन में पास आउट हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चाइना क्यों ना जाना पड़े, तो इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए जब तक ज़िंदगी, इल्म की जद्दोजहद जो है जारी रहनी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा मुजफ्फर, फर्स्ट पोजीशन होल्डर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट
and I'm very proud of to be the part of this institution. I'm Fatma Jahangir. I'm a recent graduate of Chemical Engineering and I'm proud to be called an NEDian. I'm Isram Sheikh from Chemical Engineering Department, Batch 2016. Actually, it's my mama's dream to become an NEDian and I am an NEDian today. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. I am Amna and I have recently graduated from this university and it's so much prosperous moment for us and for our parents too. Thank you. We love NED! Hi, I am Iraj Imtiaz and I'm from Food Engineering Department and today is our convocation as you can see and I'm very very delighted, very happy that we have completed 4 years of our journey and I'm very proud of my parents who have supported me all through these 4 years and yes, next. Myself, Agar Hamsha, and I'm from NED University Food Engineering Department and I'm very excited because as you see, I'm here to attend the convocation and आप देख सकते हैं कि हम 4 साल की मेहनत के वजह से हमें ये आज दिन मिला है लेकिन ड्यू टू कोविड हमारे पेरेंट्स हमें ये अटेंड नहीं कर सके तो इसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही हूँ कि वो भी आज होते बट ड्यू टू पेंडेमिक वो यहाँ नहीं है सो होप वो भी बहुत खुश होंगे और उनकी मेहनत का नतीजा है कि हम आज यहाँ से ग्रेजुएट हुए. हेलो, माय नेम इज़ किसरा फातिमा और ये कि आप सब जानते कि अभी आज ग्रेजुएशन मेरी हुई है फूड इंजीनियरिंग डिपार्ट से. मैंने बैचलर्स ऑफ बी फूड इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और ये कि क्या कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो 16 साल की मेरी अम्मी अब्बू की जो मेहनत है और वो रिवॉर्ड ले आई है और आज मैं ये डिग्री लेके एनईडी की यहाँ खड़ी हुई हूँ. ये कि सब ये इन सब चीज़ों का क्रेडिट मेरी अम्मी अब्बू को जाता है जो कि क्या कहते हैं, उन्होंने इतनी दुआएँ और इतनी मेहनत से मुझे इस काबिल बनाया और ये कि मुझे मैं आज बहुत मिस भी कर रही हूँ क्योंकि कोविड की वजह से ऑनलाइन ये सारा हुआ है और ये कि थैंक यू सो मच. और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषा परवेज़ है और आज हमारी कॉन्वोकेशन है. मैं फूड डिपार्टमेंट फूड इंजीनियरिंग की आज मुझे डिग्री मिली है यहाँ से और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ. मेरे पेरेंट्स की सारी सपोर्ट, मेरी मेहनत आज हम सबको एक रिवॉर्ड की फॉर्म में मिल रही है और सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा आलम है और मैं फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ग्रेजुएट हूँ. आज हमारी कॉन्वोकेशन है बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारे पेरेंट्स नहीं आ सके लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये उनकी मेहनत का नतीजा है और जो आज हमें इस सूरत में मिला है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिरा इफ्तिखार एंड आई एम फ्रॉम फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स हु आर ब्रिंगिंग मी स्वीटली एंड हु स्ट्रगल विथ मी विथ माई होल 16 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड एंड विथ माई 4 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग कम्प्लीटेड. सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दैम एंड आई एम वेरी मिस दैम बिकॉज दिस इज देयर बिग डे नॉट माइन एक्चुअली. सो या थैंक यू सो मच अम्मी अब्बू. अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ शुमाइल मकसूद. आई एम फ्रॉम फूड डिपार्टमेंट ऑफ फूड इंजीनियरिंग. टुडे आई एम वेरी हैप्पी. मेरे फादर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो भी एनईडीएन है. आफ्टर 32 ईयर्स ये हिस्ट्री रिपीट हुई है हमारी फैमिली में कि एक फादर और डॉटर इंजीनियर और एनईडीएन है. आई एम वेरी हैप्पी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषा आबिद है और मैं फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हूँ और आज मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है. मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू सो मच एनईडी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलविना रजा है और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे आज बहुत खुशी है, आज हम ग्रेजुएट हो गए फाइनली. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फौजिया मज़र और वैसे सच में बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए कि आज हम फाइनली इंजीनियर्स बन चुके हैं. मेरा नाम महानूर अब्बासी है और हम आज ग्रेजुएट हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये हम सब के पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है. हमें अफसोस है कि हमारे पेरेंट्स यहाँ पर आज मौजूद नहीं है लेकिन उनकी दुआएँ हमारे साथ हैं, हमारे टीचर्स की दुआएँ हमारे साथ हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अप्सरा कमल है और मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और आज वो दिन है जिसका हर स्टूडेंट 4 साल से वेट करता है और ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और आज के दिन हमारे साथ हमारे सारे अच्छे लोगों की बेस्ट विशेस मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सेमन अलवी. आज हम मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं. आज हमारी कॉन्वोकेशन डे, आज हम बहुत हैप्पी हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक हम अपने पेरेंट्स को करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज यहाँ पहुँच सकें.
मेरा नाम मनूर है। आज हम बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुशी डबल हो जाती है अगर हमारे पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हों। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ फ़ज़ान अहमद गौरी, और आज हम अपने कॉन्वोकेशन के दिन पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं। कोविड की वजह से हम उनको नहीं इस इवेंट में बुला सके साथ, लेकिन फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अपने टीचर्स का भी और अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे ये चार साल बहुत अच्छे बना दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं फहद अली हूँ। आज मैं फाइनली एक इंजीनियर बन चुका हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा के यहाँ भेजा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तौकीर अहमद खान, और फाइनली आज वो दिन जो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा दिन होता है, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने वालदेन का, अपने दोस्तों का और अपने तमाम असातिज़ा का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम राशिद है और हम मेटलर्जिकल स्टूडेंट हैं, और मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, स्पेशली अपनी अम्मी का, और मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है और मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, प्लस ये जो दोस्त मेरे साथ चंद खड़े हुए हैं, इन्होंने मुझे मेरी ग्रेजुएशन में बहुत सपोर्ट किया है, प्लस ये जो मेरे बराबर में गोल्ड मेडलिस्ट खड़ी हुई हैं, ये इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इन रिगार्डिंग नोट्स, हम सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी राइट नाउ। थैंक यू, थैंक यू, वी लव एनडी। माय नेम इज़ मोहम्मद जफर अहिल, सन ऑफ मोहम्मद राहिल असलम। आई एम फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट एंड आई एम हेयर एट द 29th कॉन्वोकेशन सेरेमनी 2020 ऑफ एनडी यूटी। All I can say is that I am very proud and very excited about this, about graduating from civil department from a renowned university, NAD University. All these 4 years of hardships, all these work and all that effort, my friends, my family, all they have put into me, and I am very glad to be here and get this degree. Thank you. Assalamu alaikum, this is Roshila Jamil and I am from civil department, and I am very, very proud to say that I am finally graduated, and today is the convocation, and I am extremely proud of myself and my parents who have supported me throughout this journey, who have given me all the things that I might need in this journey, and I am grateful for all these friends jinhone mera itna acha saath diya, aur bahut acche 4 saal guzre hain, aur umeed karte hain ki hum log aage bhi acche positions par inshallah rahe. Thank you. Assalamu alaikum, this is Maria Gayas from civil department, and I am very happy to be the part of 29th convocation of NAD. और सबसे बड़ी सबसे अमेजिंग चीज़ है कि हम लोग एक ऐसे साल में ग्रेजुएट हुए हैं जो कि ग्लोबल पैंडमिक और 2020 एक बहुत यादगार बैच, आने वाले कई सालों तक और कई सदियों तक याद किया जाएगा हमारे बैच को, क्योंकि हम लोग एक बहुत अनसर्टेन कंडीशंस में ग्रेजुएट हुए हैं, तो फाइनली ग्रेजुएट हो गए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कंडीशंस थी, अलग तरीके से ग्रेजुएट हुए हैं मगर ग्रेजुएट हो गए हैं, तो इस बात का बहुत शुक्र है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन सुहेल, आई एम फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट, सो आई एम नाउ अटेंडिंग द 29th कॉन्वोकेशन ऑन एनडी कॉन्वोकेशन। अच्छा, ये मोमेंट काफ़ी प्राउड है मेरे, मैं अपने लिए प्राउड महसूस करता हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये 4 साल काफ़ी मुश्किल थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 साल गुजर गए हैं। अब इंशाल्लाह आगे के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं लाइफ में, और उम्मीद है कि इसी तरह हम इंशाल्लाह आगे ही चैलेंजेस भी फेस करेंगे और आगे भी कामयाब होंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हफ्सा चौधरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। आई एम सो थैंकफुल फॉर माय टीचर्स हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड फॉर सपोर्टिंग मी एंड माय पेरेंट्स, स्पेशली माय मदर हु हैज़ बीन अ सपोर्ट पिलर फॉर मी ड्यूरिंग दिस जर्नी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय फेलो एनईडियंस हु हैज़ बीन ग्रेजुएटिंग इन सच सर्कमस्टांसेस, एंड यू नो द कोविड सीजन हैज़ अफेक्टेड ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्टिल द स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट वेरी वेल एंड पुलिंग it off, so I'm proud of you all. Thank you.